मुंगेर गंगा ब्रिज पर आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट है। इस अपडेट में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे क्या इसका उद्घाटन टल सकता है या फिर 16 जनवरी को जो निर्धारित तिथि बिहार सरकार की ओर से तय किया गया है उसी दिन होगा उद्घाटन। इस वीडियो में बढ़ेंगे आगे, उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। बिहार के विकास पुरुष और हम लोग के चाहते जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है और इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोरोना हो गया, कोरोना पॉजिटिव हो जाने की वजह से फिलहाल उन्हें अभी हेल्थ चिकित्सा की ज़रूरत है। तो ऐसे में लगता है कि 16 जनवरी को जो उद्घाटन मुंगेर गंगा ब्रिज का होना था वह नहीं हो पाएगा। हालांकि आपको बता दें कि अप्रोच पथ और साथ ही पुल का काम लगभग पूरा हो चुका है और तैयारियाँ भी हो चुकी है। तो ऐसे में क्या 16 जनवरी को उद्घाटन होगा, यह बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। आपको बता दें कि इसके पहले सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्री को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इस तरह कोरोना ने मंत्रिमंडल के कई सदस्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। 5 जनवरी को दोनों मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर यह बातें अपने ट्विटर हैंडल पर की है। आने वाले समय में देखने वाली बात होगी क्या इस प्रोजेक्ट को 16 जनवरी को मुंगेर वासियों को सौंपा जाएगा या फिर नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अप्रोच पथ पर हम चल रहे हैं और आपको बता दें कि हम अब भी बहुत जगह पूरा नहीं हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने वीडियो स्क्रीन में। हालांकि आपको बता दें कि 16 जनवरी को उद्घाटन होगा या नहीं इसकी पुष्टि हमारा चैनल बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन अगर जब तक मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तब तक कुछ बताया नहीं जा सकता है। हालांकि आगे भी हमारा अपडेट आता ही रहेगा और अगर उद्घाटन से रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट निकल के सामने आती है तो जाहिर सी बात है कि हम आपको अवश्य बताएंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में। तो फिलहाल आप जो देख रहे हैं यह अप्रोच पथ है, सामने जो देख रहे हैं सामने जो रेड वाली बिल्डिंग है वह भी एक प्रोजेक्ट ही है। हालांकि उस प्रोजेक्ट पर अभी तक हमने अपडेट नहीं डाला है, कोशिश करेंगे उस पर भी अपडेट डाल दिए चलेंगे। देख सकते हैं कि काम बिल्कुल तेज़ी से हो रहा है और काम में कोई भी कमी नहीं देखी जा रही है, क्योंकि बिहार का एक ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि मुंगेर से बेगूसराय खगड़िया को जोड़ेगा। 19 वर्षों का सपना यह साकार होने जा रहा है और ऐसे में हमारे चैनल की तरफ से मुंगेर वासियों को बधाइयाँ। और आपको बता दें कि 16 जनवरी को अगर इसका उद्घाटन होता है तो ऐसे में यहाँ के क्षेत्र के लोगों को बिजनेस के दृष्टिकोण से भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही सुविधा भी मिलेगी। अभी फिलहाल ट्रेन का परिचालन इस रूट से मुंगेर को बेगूसराय से कनेक्ट करता है। सामने अप्रोच पथ का काम देख रहे हैं कितनी तेज गति से चल रहा है, साथ ही यहाँ पर NTPC का बालू और गंगा बालू के साथ साथ मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है जिससे अप्रोच पथ की मजबूती को और मजबूत कर दिया जाए। इसके अलावा यहाँ पर छोटे मोटे काम शेष अभी भी हैं, जैसे कि लाइट लगाना, बाउंड्री देना और साथ ही रोड पर व्हाइट लाइनिंग देना। इन सभी सुविधाओं को जल्द इसमें कर दिया जाएगा लैस, उसके बाद हम आगे के अपडेट में आपसे मिलेंगे। यह अपडेट कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ ही हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब।